इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चंस रह गए थे, यानी कि हमने 2020 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 से 5 तक, लेकिन जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 6, 7, 8, 9, 10 वेरी शॉर्टली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो छठा क्वेश्चन जो था हमारा, इसको भी कई बार डिस्कस कर किया जा चुका है, लेकिन चूंकि हम सीरीज शुरू कर चुके हैं प्रीवियस इस क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो छठा प्रश्न देखिए, योग का क्या महत्व है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे अपने शब्दों में लिखना है, आसान शब्दों में। दूसरा, स्वच्छता का अर्थ, शिक्षा मंत्रालय के कार्य। तो देखें, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, बीएड सेकेंड ईयर अवध विश्वविद्यालय 2020 पेपर 1 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और प्रायमरी शिक्षा के ये प्रश्न पत्र हैं, जिसमें 1 से 5 तक के प्रश्न हम देख चुके हैं। आइए देखते हैं छठा 6, 7, 8, 9, 10 में क्या अपने शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं योग का महत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार पूछा जा चुका है योग का महत्व क्या होता है जब इंसान योगी। ये 2021 में भी पूछा गया था, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है योग का महत्व, और 2020 में भी पूछा गया है। 2020 के क्वेश्चन पेपर में अगर छठा क्वेश्चन देखेंगे तो योग का महत्व, योग का क्या महत्व है। योग एक ऐसी साधन है जो इंसान को आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। योग करने से मन एकाग्र होता है, चित्र नहीं यहाँ चित्त होता है, चित्त मतलब मन, मन की चंचलता नियंत्रित रहती है, ठीक है। इसके द्वारा व्यक्ति पाप करने से बचता है, मन को शुद्ध रखकर पुण्य काम करता है। योग उच्च कोटि का साधन है जो व्यक्ति को ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है जिसकी सहायता से व्यक्ति प्रत्येक कार्य क्या करता है, कुशलता पूर्वक करता है। योग क्या है भैया, योग एक ऐसा साधन है जिनको करने से इंसान क्या रहता है, सुखी रहता है, संतोषी रहता है और दीर्घायु को प्राप्त करता है। तो ये है योग का महत्व, ठीक है। सातवां देखते हैं स्वच्छता का अर्थ। देखिए ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, स्वच्छता का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ हाइजीन। हाइजीन क्या है भाई, हाइजीन मीन्स द वे टू बी हेल्थी। हाइजीन का अर्थ है तो स्वस्थ रहने का तरीका, यह ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। देखिए इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि स्वच्छता का क्या अर्थ है हर एक विद्यार्थी अपने मन से लिख सकता है। चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश में। हाइजीन मीन्स द वे टू बी हेल्थी, इट इज़ इंपॉर्टेंट नॉट only for physical but also for a mental health. Why? Because it has a direct effect on your mind and brain. इसको इग्नोर करने से क्या होता है, बाई इग्नोरिंग इट पीपल मे हैव अ फिजिकल प्रॉब्लम, ऑन द अदर हैंड पीपल मे ऑल्सो फॉल इन सम ग्रीप ऑफ अ सम इन्फेक्शियस डिजीज। जो संक्रामक रोग होते हैं ना, उसमें हम पढ़ सकते हैं अगर हम स्वच्छता को इग्नोर करते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय के कार्य जो कि 2020 में पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था। शिक्षा मंत्रालय का कार्य क्या है, शिक्षा नीति निर्धारण करना, शिक्षा के लिए योजना बनाना, गरीब बच्चों की सहायता के लिए क्या करना, छात्रवृत्ति देना, एजुकेशन लोन देना, सब्सिडी प्रोवाइड करना, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें, ड्रेस और तरह तरह के खेल संबंधित उपकरण प्रोवाइड करना, तो ये शिक्षा मंत्रालय का कार्य है। देश की शिक्षा नीति निर्धारण करना, राष्ट्रीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा के लिए सुविधाएं प्राप्त करना, तो ये क्या है, शिक्षा मंत्रालय के कार्य है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक आता है, नौवा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। एक अच्छे प्रधानाध्यापक की गुण क्या होती है, ये 2020 में पूछा गया था, इस पर ऑलरेडी एक विस्तृत वीडियो बना गया है तनुश्री मैम के द्वारा, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस दो गुण पूछा है, 2 qualities ऑफ हेड मास्टर, बट यहाँ पे आप आराम से 3 गुण देख सकते हैं, क्योंकि एक प्रधानाध्यापक के अंदर 3 गुण होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है दोस्तों प्रशासकीय गुण, ठीक है, वो कैसे लीड करता है, ठीक है, और दूसरा होता है व्यक्तिगत गुण, उसकी पर्सनल क्वालिटी क्या होती है। चौथा व्यवसायिक गुण, वो कैसे स्कूल्स में अपने कार्य को कर रहा है। तो प्रशासकीय गुण में वो कुशल प्रशासक, नियोजनकर्ता, समायोजन शक्ति उसकी होनी चाहिए। व्यक्तिगत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कार्य के लिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व, नेतृत्व की क्षमता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। व्यवसाय की बात करें तो कुशल प्रवक्ता, अच्छा बात करने वाला, अच्छा स्पीच देने वाला हो, सामान्य ज्ञान की जानकारी रखता हो, व्यवसायिक ज्ञान हो, मनोविज्ञान का ज्ञान हो और शिक्षा विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो ये एक हो गया अच्छे प्रधानाध्यापक के गुण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वीडियो को ख़त्म करेंगे। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के 2 कार्य पूछा गया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको CABE भी कहते हैं, इसका क्या कार्य है। देखिए इसका कार्य ये है कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने
केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को शिक्षा प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का दायित्व सौंपा। अब इसके कार्य क्या है? यह बोर्ड शैक्षिक विकास का पुनर्लोकन का मतलब क्या करता है? रिव्यू करता है, ठीक है, कैसे आपका शिक्षा क्षेत्र कहाँ चलता है उसको रिव्यू करता है, ठीक है। दिस बोर्ड विल रिव्यू द एजुकेशनल डेवलपमेंट, समझ में आ गई बात, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करता है, ठीक है, और कार्यान्वयन संबंधित देख रेख में निर्णायक भूमिका अदा करता है। कौन सा? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। इसके दो कार्य पूछे गए थे। द बोर्ड विल रिव्यू द एजुकेशनल डेवलपमेंट, एंश्योर द नेसेसरी चेंजेस टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम एंड विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुपरविजन। समझ आ गया दोस्तों, जो भी कार्यान्वयन देख रेख के निर्णायक भूमिका है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत ही क्रूशियल महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कौन सा? CABE, राष्ट्र केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका 2020 में पूछे गए प्रश्न के, हो गए हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हैं। ये अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है ना, मेरे पास 5 साल के ऑलरेडी, मैंने टेलीग्राम चैनल वालों को प्रोवाइड कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। उससे पहले एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि प्रश्न मैंने सही बताया कि नहीं। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, योग का महत्व, स्वच्छता का अर्थ, शिक्षा मंत्रालय के कार्य और प्रधानाध्यापक के 2 गुण, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के 2 कार्य। तो ये वो 10 प्रश्न हैं जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हों सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों को स्पेशली अपने कॉलेज ग्रुप में प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पे भी लोग जुड़ें और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे मिलके। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, वीडियोज़ देखते रहिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।